कैसी बात कर रही हो अनिका? अभी तक ये इन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का केस बता देता हूँ, ओपन एंड शट केस है, जुडिशरी जो है डांसिंग कर रही है उसके ऊपर, वो नूर मुकदम का केस निकाल दें, ठीक है ना, कितनी टैप डांसिंग हो रही है। और इससे ज्यादा कोई यूट्यूबर से मिल ले आप अपना ये कितना बड़ा अलमिया है कि नूर मुकदम को अभी तक पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं दे सकी, और कुछ रह गया पीछे? अनिका आप तो इस्लामाबाद में बेस्ड है और ये इस्लामाबाद की स्टोरी है, उसमें कितनी सदाकत है? मेरे सोर्सेस के मुताबिक 100% सदाकत है, और एक नैरेटिव बिल्ड करने के साथ साथ एक इमेज बिल्डिंग की तरफ भी मामला जा रहा है। और क्योंकि सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हो गई है जुडिशरी के हवाले से, बिलखसूस चीफ जस्टिस साहब को काफी ज्यादा तानाजनी का शिकार वो हो रहे हैं, तो इसीलिए जहां तक मेरे जराए मुझे बता रहे हैं इसके अंदर 100% सदाकत है। मुलाकातें भी हुई हैं और मुलाकातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जिससे लगता है कि जुडिशरी अब अपने इमेज को सही करने के लिए कुछ करना चाह रही है। लेकिन इमेज को सही करने के लिए वैसा बड़ा आसान काम है जुडिशरी के पास। जुडिशरी जो आम लोगों के केसेस हैं वो उस फुर्तियों से चलाए जिस तरह से सियासतदानों के केसेस चलते हैं, उनका इमेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उस तरीके से चलाए जिस तरीके से रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी, रात के 7-8 बजे तक इंतजार करके भी केसेस कैसी बात कर रही हो अनिका? अभी तक ये इन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का केस बता देता हूँ, ओपन एंड शट केस है, जुडिशरी जो है डांसिंग कर रही है उसके ऊपर, वो नूर मुकदम का केस निकाल दें, ठीक है ना, कितनी टैप डांसिंग हो रही है। और इससे ज्यादा कोई यूट्यूबर से मिल ले आप अपना ये कितना बड़ा अलमिया है कि नूर मुकदम को अभी तक पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं दे सकी, और कुछ रह गया पीछे? यहाँ इंसाफ जहाँ मिलना होता है वहाँ बड़ी तेजी से भी मिल जाता है मुबशिर साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो तो 18 मुकदमात में 4 अदालतें एक दिन में बेल दे देती हैं, 18 अदालतें। आप मिले यूट्यूबर से? आप नहीं, हम मिलते रहे फिर यूट्यूबर से, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना। आम आदमी के केसेस तेजी करें, आपके पास एक बड़ा अच्छा चांस है अपना इमेज बिल्ड करने का, वो नहीं करना तो फिर ये ना सोचे कि यूट्यूबर जो है वो चांस बैठ कर, ये YouTube वाला जो फिनोमेना है इसके अंदर एक चीज तो वाजह है, उसके अंदर जितनी भी खबर जाती है, जितनी भी चीजें जाती हैं, वो एक इमेज बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, वो सारी चीजें जरूर हो सकती है, सहाफत नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर आपके कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, जो मर्जी आके बोलते हैं।